हिमाचल प्रदेश नई पेंशन स्कीम कर्मचारी संघ ने सरकारों पर वादा खिलाफी करने का आरोप लगाया है। कर्मचारी संघ का ये भी कहना है कि मात्र चुनावों के दौर में कर्मचारियों को पुरानी पेंशन के सपने दिखाए जाते रहे हैं, मगर कोई भी सरकारें प्रदेश के कर्मचारियों के हितों के लिए पुरानी पेंशन बहाल करती नहीं दिखाई दे रही है। सरकार का जब ये लोग अपोजिशन में होते हैं तो ये पुरानी पेंशन की बहाली की बात करते हैं, लेकिन जब ये सत्ता में आ जाते हैं तो ये भूल जाते हैं। मुख्यमंत्री जी ने बार बार जब भी हम मिले हैं तो उन्होंने यही कहा कि हम इसके ऊपर जल्दी से जल्दी कार्य करेंगे और आपके पुरानी पेंशन और जो 2009 की केंद्र सरकार की जो नोटिफिकेशन है उसको लागू करेंगे, लेकिन अभी तक इन मुख्यमंत्री जी ने NPSC की जो न्यू पेंशन स्कीम में लोग आते हैं उनके लिए कुछ नहीं किया है। अब इसके खिलाफ नई पेंशन स्कीम कर्मचारी संघ ने आंदोलन करने की रूपरेखा तैयार कर ली है। पुरानी पेंशन को बहाल करवाने के लिए मंडी में संपन्न हुई NPSEA की राज्य स्तरीय बैठक में निर्णय लिया गया कि पुरानी पेंशन को बहाल करने के लिए अब सरकार के साथ आमने सामने की लड़ाई लड़ी जाएगी, अन्यथा कर्मचारियों को रोन पड़ाना पड़ेगा, सरकार के विरुद्ध चलना पड़ेगा। इसकी जिम्मेवारी सरकार की होगी, ये कर्मचारियों की जिम्मेवारी नहीं होगी, क्योंकि बहुत हो गया ज्ञापन। ये चैलेंज समझे सरकार, ये ढंग से सुन ले कि अगर अब आपने पुरानी पेंशन को बहाल नहीं किया तो इसके बुरे जो परिणाम होंगे उसको भुगतने के लिए बिल्कुल तैयार रहे। बैठक की अध्यक्षता करने के उपरांत NPSEA के प्रदेश अध्यक्ष प्रदीप ठाकुर ने बताया कि प्रदेश में सरकारों का रवैया नई पेंशन स्कीम कर्मचारियों के प्रति उदासीन है, इसके चलते अब आंदोलन करने का फैसला लिया गया है। उन्होंने बताया कि आने वाली 2 अक्टूबर गांधी जयंती के दिन सभी कर्मचारी गांधी जी की प्रतिमा के आगे पुरानी पेंशन बहाली की शपथ लेंगे। इसके साथ ही आने वाले समय में प्रदेश के सभी SDM व DC के माध्यम से प्रदेश सरकार को ज्ञापन भेजा जाएगा। गांधी जी की जयंती पर हम गांधी जी की मूर्ति के सामने पूरे हिमाचल प्रदेश में जितने भी हमारे ब्लॉक हैं, हर ब्लॉक के हमारे साथी इकट्ठा होकर गांधी जी की मूर्ति के समक्ष ये शपथ लेंगे कि हम पुरानी पेंशन बहाली के लिए निरंतर तब तक प्रयासरत रहेंगे जब तक हमारी पेंशन बहाल नहीं होती। इसके पश्चात हम अक्टूबर माह में ही जितने भी हमारे SDM कार्यालय पूरे हिमाचल प्रदेश में हैं, हर एक SDM के माध्यम से हम सरकार को एक ज्ञापन देंगे जिसमें हम पुरानी पेंशन बहाली की मांग करेंगे। यदि सरकार हमारी ये बात नहीं मानती तो हम उसके 15-20 दिन के अंदर फिर से हर जिला में एक दिन में ही हर जिला में जो है एक 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 डिमांड चार्टर DC के माध्यम से फिर से सरकार को देंगे कि वो हमारी पुरानी पेंशन बहाल करे। सरकार फिर भी अगर हमारी बात नहीं सुनती, जो कि आज तक हमें देखने को मिला कि सरकार जो है हमारी पुरानी पेंशन बहाली को लेकर उतनी गंभीर नहीं है जितनी कि कर्मचारी जो है हमेशा ही चाह रहे हैं, जितने कर्मचारी जो है सरकार से उम्मीद कर रहे हैं। इसके पश्चात हम इस संघर्ष को और तेज करेंगे और हम अभी ये भी विचार कर रहे हैं, हमने कर्मचारियों से भी ये विचार मांगे हैं कि क्यों ना हम इसके बाद जो है एक पेंशन अधिकार यात्रा मंडी से लेकर शिमला शुरू करें, जो कि एक बहुत बड़ी यात्रा होगी और सरकार को हम अपनी पेंशन बहाली के लिए जो है मजबूर करेंगे। बीती यादों से नाता सहेजना सीखा, हाथ थाम कर जिनके चलना सीखा, गिरने लगती जब तो उनसे संभलना सीखा। उनकी डांट से खुद को तराशना सीखा, घर से दूर होकर भी दिल को हमेशा यह एहसास रहता है उनका प्यार और फिक्र हमेशा मेरे साथ रहता है। भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी श्री बालाजी हॉस्पिटल कांगड़ा हिमाचल।